हेलो यू ओके सो माय नेम इज़ फरहान बेटा मेरा नाम फरहान है और आज हम बात करने वाले वैलेंसी के बारे में है ना टेंथ स्टैंडर्ड के लिए स्पेशल ये जो सीरीज चली है इसमें एक सेकेंड टॉपिक है हमारा वैलेंसी इससे पहले एक ऑलरेडी टॉपिक आ चुका है है ना एटम्स मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड के बारे में थोड़ा वहां पर हमने डिटेलिंग दी थी वॉट आर एटम्स वॉट आर मॉलिक्यूल्स है ना वॉट आर कंपाउंड आज सा लेक्चर में अपन डिस्कस करो वैलेंसी मतलब वैलेंसी वैलेंसी क्या होती है वैलेंसी की जरूरत कहां पर है क्यों चाहिए वैलेंसी है ना और आपको वैलेंसी जानने की जरूरत क्यों है है ना? So session, है ना सो ऑल थिंग्स विल डिस्कस इन सेशन ठीक तो सबसे पहले समझते हैं कि वैलेंसी के अलावा मतलब इसके अलावा इसमें हम और क्या पढ़ेंगे तो एक और पार्ट है जो है वेरिएबल वैलेंसी जिसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है तो आज हम यही दो चीज दो टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे एक तो वैलेंसी और दूसरा वेरिएबल वैलेंसी तो ज्यादा हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे विल डायरेक्टली कम टू द टॉपिक बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप दिस टॉपिक एज सिंपल एज क्रिस्प एज पॉसिबल ठीक है और आप लोग जो वीडियोज़ देख रहे हैं आई हैव सीन यू आप लोग ने वीडियोज़ देखे है एंड यू आर कॉमेंटिंग ऑन दोज वीडियोज़ तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने एटलीस्ट यू आर वॉचिंग इट है ना तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली कॉमेंट है ना और उसके अलावा कुछ और भी अगर आपके पास आइडियाज़ हैं कुछ है ना फॉर एक्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो बने देन यू कैन ऑल्सो सजेस्ट दैट थिंग है ना

एक एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मेरे पास है एक एलिमेंट जिसका नाम है एम जी और एक है जिसका नाम है सी एल ठीक है एम जी और सी एल अब ये जो दो एलिमेंट आप देख रहे हो इनको अगर मुझे कंबाइन करना है तो इसकी कैपेसिटी है ये रैंडमली कैसे भी कंबाइन नहीं कर सकते ना क्योंकि आपको आपको पता होगा जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल हम आपने देखा होगा जैसे हम लोग एन ए सी एल लिखते हैं तो एन ए और सी एल ऐसा एन ए सी एल बना लिखते हैं अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ पर हमने एन ए लिखा टू

जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ये रॉन्ग बताया आपने ये राइट बताया तो ये केमिकल फार्मूला ही है तो ये केमिकल फार्मूला सही है ये केमिकल फार्मूला गलत है कैसे पता चलेगा ये आपको वैलेंसी से ही पता चल सकता है ना तो अगर आपको कोई भी फार्मूला भी पहचानना है तो उसके लिए क्या चाहिए वैलेंसी तो वैलेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है चीज़ है ना मतलब अगर आपका कंपाउंड ही गलत हो गया है ना यहाँ पे आप देख रहे हैं केमिकल फार्मूला वही गलत अगर हो गया तो पूरा का पूरा रिएक्शन गलत हो जाएगा है ना तो पूरा रिएक्शन गलत हो जाएगा इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई है ना अब आप कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कोई भी कंपाउंड का नाम है ना उसका केमिकल फॉर्मूला तो केमिकल फॉर्मूला ही नहीं आया तो आगे तो छोड़ दो तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको सही गलत पहचानने के लिए आपको वैलेंसी का पता होना चाहिए पहली बात दूसरी बात यह है कि अगर ये कंबाइंड करेंगे तो करेंगे कैसे और सच में कर भी पाएंगे कि नहीं है ना तो ये सब कैसे पता चलता है से पता चलता है किसकी कितनी कैपेसिटी है कंबाइन करने की किसकी कितनी कम है किसकी कितनी ज्यादा है ये सब कैसे पता चलेगा से ठीक है तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे वैलेंसी वाले टॉपिक में ठीक है तो पहले इसको जरा सा अपन क्लियर कर लेते हैं एंड देन विल प्रोसीड ठीक है चलो मग शुरुआत करो डायरेक्टली विद वैलेंसी सो so व्हाट इज वैलेंसी बेटा ये आज अपन डिस्कस करो तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज वैलेंसी तो हम कहते हैं वैलेंसी को इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ठीक है क्या बोलते हैं इसको कंबाइनिंग कंबाइनिंग कैपेसिटी किसका कंबाइनिंग कैपेसिटी है कंबाइनिंग कैपेसिटी किसका ही है इट्स अ कंबाइनिंग कैपेसिटी फॉर मतलब फॉर टू एलिमेंट्स जैसे मुझे दो एलिमेंट को कम्बाइन करना है तो उसके लिए मुझे कंबाइनिंग कैपैसिटी पता होनी चाहिए लेकिन इस कंबाइनिंग कैपैसिटी से वैलेंसी के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं समझ में आती तो आज हम फुल डिटेल में बात करने वाले हैं इससे थोड़ा सा बेसिक बेसिक हम लोग ज़्यादा कवर करेंगे बिकॉज आज का जो हमारा टॉपिक है वो कम्प्लीटली बेसिक से रिलेटेड ही है विच शुड नो बेसिक ऑफ एवरी थिंग सोफ इफ यू डो नॉट नो बेसिक तो एडवांस का तो बात भूल ही जाओ है ना चलो तो अब आप बात करते हैं ये कंबाइनिंग कैपेसिटी काम कैसे करती है देखो मेरे पास जैसे मान लीजिए मेरे पास दो एलिमेंट है हमेशा इसका एग्जाम्पल देते हैं हम लोग है ना जैसे एन ए और सी एल ठीक है अब अगर मुझे इनकी वैलेंसी निकालनी है तो मुझे वैलेंसी कैसे पता चलेगी तो किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी पहले आपको पता होनी चाहिए लेकिन वो पता चलेगी कैसे है ना तो सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं इसी पार्ट में है ना इसी पार्ट में हम लोग सब सीखेंगे अब जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये ऐसी वीडियोज़ मैंने आपको इससे पहले भी बताया लेकिन आज फिर से हम इसको रिपीट कर रहा हूँ मैं बिकॉज अगर आप पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो तो ये सब कुछ क्लैरिटी आपको आ जाएगी कैसे आएगी इसमें दो तीन टॉपिक कवर होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है क्या क्या कवर होने वाले है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ इस वीडियो में आपको कवर होगा कि आपको एटॉमिक नंबर के बारे में पता होना जरूरी है अगर आपको लगता है वैलेंसी के लिए एटॉमिक नंबर की जरूरत नहीं है तो आप गलत हो एटॉमिक नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आपको इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे किसी भी एलिमेंट्स के है ना तो कहानी बड़ी गहरी गंभीर होती जा रही है एटॉमिक नंबर पता होगा तो इलेक्ट्रॉन्स पता हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स पता होगा तो उससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ये आप क्या कर सकते हो ये आप निकाल सकते विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको पता होगा तो इससे आपको मिल जाएंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या बोला मैंने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है डिस्कस करेंगे और यहां से आपकी फाइनली मिलेगी आपको वैलेंसी तो सफर थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट सारी चीजें क्लियरिटी आने के लिए थोड़ा समय लगेगा है ना तो इफ यू आर रेडी है ना अगर आपको ये सारी चीजें पता है पहले से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं पता है तो आज आपको बहुत कुछ इसमें से सीखने के लिए मिल सकता है ठीक है इसके अलावा क्या सिर्फ हम इसी मेथड से वैलेंसी निकालना आ, हमें मतलब आता है या हम कोई और भी मेथड यूज करके वैलेंसी निकाल सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले ये है पूरा का पूरा सिनेरियो ठीक है अब हम शुरू कर रहे हैं हम लोग वैलेंसी के बारे में आओ जरा देखें तो देखो बेटा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं सबसे पहले मेरे पास है एन ए विच इज सोडियम एक एलिमेंट है जिसको हम मेटल कहते हैं ये मेटल है सोडियम ठीक है और ये है क्लोरीन ठीक है तो ये क्या है सोडियम है ठीक है सोडियम इसका नाम सोडियम कैसे पड़ा इस अगर इसका नाम सोडियम है तो फिर ये एने का इसका नाम है तो एने। तो ये से से है है इसका इसका नाम नाम सोडियम तो तो लैटिन लैटिन नेम एक्चुअली में नैट्रियम होता है है ना तो से ये सोडियम है। और ये क्लोरीन है ठीक है तो ये है हमारे पास क्लोरीन ठीक है तो ये है दो हमारे पास एलिमेंट अब इन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मुझे पता होना बहुत जरूरी है अगर नहीं पता है तो आगे प्रोसीड हो ही नहीं सकती बात क्यों नहीं हो सकती देखो देखो इसका अगर मुझे एटॉमिक नंबर पता है इमेजिन करो कि मैं आई एम जस्ट राइटिंग यहाँ पे तो एटॉमिक नंबर 11 हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर हो जा रहा है 17 ठीक है अगर मुझे ये पता है तो देखो क्या होगा और नहीं पता है तो क्या होगा अगर मुझे इसका एटॉमिक नंबर पता है तो मैं एक चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ एटोमिक नंबर ठीक है बेटा एटोमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटोन क्या बोला मैंने एटोमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं एक एटम के अंदर एक किसी भी एटम के अंदर तीन चीजें होती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना जो सेंट्रल पार्ट है जो सेंट्रल पार्ट जिसको अपन क्या बोलते हैं न्यूक्लियस न्यूक्लियस में क्या होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या बोला मैंने सेंटर किसी भी एक एटम होगा ना जैसे मान लीजिए ये एटम है इसके सेंटर वाला पार्ट है इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ठीक है और इसके बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स ठीक है ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इसके बाहर होते हैं ठीक है तो फंडामेंटल पार्टिकल क्या बोला मैंने एटॉमिक एटॉमिक नंबर 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 क्या बोला इक्वल टू ऑफ प्रोटॉन तो ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल हो गए न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स ठीक है इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर रिवॉल्व करते हैं ठीक है अब फंडामेंटल पार्टिकल जो है हमने, हमारे तीन हो गए अब मैं बात कर रहा हूं कि एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बोला मैंने क्या बोला एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बात समझ में आ गई तो अगर आपको किसी का एटॉमिक नंबर पता है तो आप उसका निकाल सकते हो उसका इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो था. था तो आपने क्या निकल लिया बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है अगर आपको याद हो गया होगा समझ में आया होगा तो देखो सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर चाहिए फिर उससे आपको निकलेगा इलेक्ट्रॉन्स यही प्रोसेस पे जा रहे हैं हम लोग पहला नंबर आपको पता होना चाहिए यही नहीं पता आगे छोड़ दो आगे का तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता तो इसी तरीके से हमने क्या किया अभी अभी हमारे पास एटॉमिक नंबर था जो कि इलेवन था उससे मुझे निकल के आगे इलेक्ट्रॉन्स ठीक है यहाँ तक क्लियर है चीज़ें कन्फ्यूजन तो नहीं है कुछ है तो बता देना ठीक है यार ए फैमिली हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ऑन ए पॉजिटिव नोट ऑफकोर्स कुछ भी डिस्कस डिस्कशन हो सकता है ना फैमिली के बीच में वी आर अ फैमिली वी कैन डिस्कस राइट नाउ सो मेरे पास है सोडियम और मेरे पास है क्लोरीन बेटा

एंड नंबर नंबर ऑफ ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स तो अगर ये ग्यारह तो वो भी क्या होगा ग्यारह सिमिलरली यहाँ पर आ जाओ यहाँ पर प्रोटॉन क्लोरीन के केस में क्या होगा प्रोटॉन प्रोटॉन सेवनटीन हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे सेवनटीन हो जाएंगे कोई दिक्कत कोई डाउट कोई शक कोई शक कोई टेंशन नहीं ना नहीं गुड तो अब इतनी सी बात समझ में आ गई आ गई है तो अब एक बात समझो यहाँ पर प्रोटॉन कैसा होता है पॉजिटिवली चार्ज ये हम लोग बचपन से जानते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिवली चार्ज ये भी हम बात बचपन से ही जानते हैं यहाँ पर देखो ये भी पॉजिटिव है और ये है नेगेटिव अब एक बात आपको बताते चलता क्यों होता है? So, atom neutral इसलिए होता है क्योंकि चार्ज अगर आप देखो दोनों पे सेम होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किसी भी एटम पर कैसा दिख रहा है सेम दिख रहा है इसलिए एटम कैसा होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है आयन चार्ज होते हैं। आयन और एटम में डिफरेंस है हम बात करेंगे उसके बारे में बट यहां पर आपको यह बात समझाते चलता हूं ये जो एटम है एटम के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन सेम तो अगर ऐसा होगा बेटा तो क्या बोलेंगे हम इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों बोलेंगे क्योंकि उसके ऊपर चार्ज कोई नहीं क्यों चार्ज क्यों नहीं क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अगर सेम है तो दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को नल कर देंगे जीरो कर देंगे ना सेम पॉजिटिव सेम नेगेटिव चार्ज है तो जीरो हो जाएगा ठीक है तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दैट इज अ रीजन एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं ठीक है ये बात समझ में आ गई आपको चलो तो इतनी बात तो हम क्लियर कर चुके हैं ठीक है अब पहले पहला मुझे क्या निकालना था एटॉमिक नंबर उससे क्या निकाला मैंने इलेक्ट्रॉन्स ठीक है यहां तक क्लियरिटी है नेक्स्ट स्टेप होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन निकालने के लिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन भी कहते हैं बेटा और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन भी आप इसको देखने के लिए मिलेगा कॉन्फिग्रेशन या कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है है ना इसको हम क्या बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ये दो चीजें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों भी आपको देखने के लिए मिल सकता है ठीक है ओके चलो तो अब इसके आगे अगर हम बात करें है ना इसके आगे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होगा कैसे इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के लिए सबसे पहला पहला चीज आपको क्या पता होनी चाहिए फर्स्ट स्टेप इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है आपको क्या चाहिए बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना इलेक्ट्रॉन का ही डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना अगर इलेक्ट्रॉन पता नहीं होंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन किसका करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए अगर इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए तो फिर आप क्या कर सकते हो बड़े आराम से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कैसे देखो यहां पर आपको पता चल जाता है कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है ये आपको पहले से पता चल गया अगर आपको ये पता चल गया तो मैं क्या कर सकता हूं मुझे उनका डिस्ट्रीब्यूट करना लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करूंगा कैसे तो देखो जरा यहां पर एक बार मेरे पास सोडियम है और आपको पता है कि कोई भी एटम जैसे मान लीजिए ये एक एटम है इसके आसपास क्या होती है ऐसे शेल्स होती है ठीक है ये शेल आपको ऐसे देखेंगे ठीक है ये क्या होती है इनको बोलते हैं अपन शेल ऐसे ही सिमिलरली जैसे सोडियम के पास है ऐसे क्लोरीन के पास भी होगी ऐसा शेल ठीक है ठीक है तो जैसे क्लोरीन के पास है ऐसे सोडियम के पास क्या होती है शेल होती है अब इन शेल के अंदर देखो इसको तो हम क्या कहते हैं अंदर वाला पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं सेंट्रल पार्ट यानी न्यूक्लियस न्यूक्लियस के पास जो होती है लाइन लाएं, लाइन लाएं, आपको देख रहे हैं इसको कहते हैं शेल्स इनको क्या बोलेंगे हम लोग इनको बोलते हैं शेल्स ये होते हैं शेल तो ये फर्स्ट शेल ये सेकंड शेल ये थर्ड शेल ऐसे इनको नंबर होता है वन टू थ्री फोर फाइव आपने देखा ना के एल एम एन ओ तो आप इसको नाम भी दे सकते हैं शेल के नाम क्या होते हैं मैं बताते चलता हूँ शेल होते हैं के एल एम एन ओ पी एसे है ना या इसको आप नंबर दे सकते हैं वन टू थ्री फोर ऐसे भी नंबर दे सकते हैं ठीक है यहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं है तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे बट आपके लिए मैं बता के चल रहा हूँ कि शेल होते क्या है ना कैसे उसको आप नाम दे सकते हैं एनीवे आ जाओ तो बेटा आप देखो ध्यान से तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्यारह और यहाँ पर है सत्रह अब इनको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को मुझे इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है और क्लोरीन के इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा अब ग्यारह इलेक्ट्रॉन है तो ग्यारह के ग्यारह में पहले में भर सकता हूं दूसरे में भर सकता हूं या पहले मैं पांच भरू दूसरे में दस भरू कैसे फिल कैसे करूँ ना ज्यादा भरू पहले में या कम भरू पहले में कितने ज्यादा हाउ मच आई हैव टू फिल इन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड तो आई शुड नो दैट हाउ 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 शुड आई फिल इट तो कैसे भरू मैं तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास टू एन स्क्वायर का फार्मूला होता है क्या होता है टू एन स्क्वायर का फॉर्मूला अब टू एन स्क्वायर का फॉर्मूला आपके लिए सफिशियंट है टिल योर

सर ये पहली जो शेल है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं मैक्सिमम तो देखो यहाँ पे एन है ना एन की जगह पे वन पुट करो और स्क्वायर लगा दो तो आपको ये पता चल जाएगा कि फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पुट कर सकते हैं तो वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा वन स्क्वायर वन और मल्टीप्लाई बाई टू तो कितना हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं टू ठीक है सेकेंड शेल में कितने कर सकते हैं तो टू इन टू स्क्वायर कितना हो जाएगा टू टू जोर फोर टू जट ठीक है थर्ड में कितना हो सकता है सो टू इंटू थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा थ्री थ्री जै नाइन नाइन टू एटीन उसके बाद अगेन टू इंटू फोर स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर फोर जै सिक्सटीन टू जी थर्टी टू उसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ की फिफ्थ का स्क्वायर फाइव फाइव जी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी ठीक है उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टू इंटू सिक्स स्क्वायर कितना हो गया सिक्स सिक्स जै थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स टू सेवेंटी टू और लास्ट शेल जो होती है उसको बोलते हैं सेवन शेल इससे ज्यादा शेल किसी में होती नहीं है तो ये हो जाएगा नाइन्टी एट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल कितना हो सकता है मैक्सिमम शेल कितनी हो सकती है सेवन सेवन से ज्यादा शेल नहीं होती मैक्सिमम शेल सेवन इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होगी ठीक है तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया सेवन शेल तक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हो नाइनटी ठीक है ये बात समझ में आ गई तो अब आपके लिए आसान हो गया

समझते है ना लक्ष्य देते कि नहीं डिफिकल्ट नहीं है ठीक है थोड़ा सा जब तुम्हें हे, फोकस के लिए तो तुम्हारा समझदार बेटा इजी टॉपिक से ठीक है अरे बगा नौ हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन थे बेटा हमारे पास थे नौ इलेक्ट्रॉन्स आठ हमने यूज कर लिया आठ यूज किया तो कितना बचा एक इलेक्ट्रॉन थर, थर्ड शेल में मैक्सिमम कितना फिल कर सकता हूँ अट्ठारह मैक्सिमम मिनिमम तो कितना भी चलेगा तो मिनिमम मेरे पास कितना है एक ये लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन मेरा पास इधर आ गया ठीक है तो लास्ट शेल में कितना मैंने एक इलेक्ट्रॉन फिल सिमिलरली मैं इसके लिए भी फिल कर सकता हूँ किसके लिए इसके लिए तो देखो इसके पास कितना है 17 इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं 17 तो पहले में कितना फिल करता हूँ दो 17 में से 17 था 17 में से दो निकाला कितना बचा 15 बचा है ना तो 15 में बचा लेकिन यूज कितना करना है इसमें मैक्सिमम आठ भर सकते हैं तो आठ ही भरेंगे ज़्यादा क्यों भरना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ये हमने फिल कर दिया फिफ्टीन था हमारे पास है ना फिफ्टीन में से कितना भरा आठ भरा कितना बचा सात बचा थर्ड शेल में कितना फिल कर सकता हूँ मैक्सिमम अट्ठारह कर सकता हूँ पर मेरे पास साथ है तो साथ भरेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ठीक है तो ये होगी यहाँ पे बात समझ में आपको आ गई होगी है ना तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ लेक्चर को पूरा देखोगे तो पूरा सारे के सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी ध्यान से देखते रहो सब कुछ क्लियर हो जाएगा ठीक है अब यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी तो देखो जरा अब मेरे पास क्या हुआ मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल गया कैसे मिला देखो पहले शेल में मैंने कितना फिल किया टू दूसरे शेल में कितना फिल किया एट और तीसरे में कितना किया वन तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलरली क्लोरीन के लिए देखो पहले में कितना फिल किया टू दूसरे में एट और तीसरे में क्या क्या कितना फिल किया सेवन तो इसको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बात समझ में आ गई तो थर्ड पार्ट क्लियर हो गया अपना थर्ड पॉइंट पॉइंट क्लियर है देखो हम क्या बोला था मैंने मैंने बोला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर सेकंड इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन तो हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं ना ये हो भी हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया ठीक है अब हम किस पे आ जाएंगे थर्ड पार्ट हमारा हो गया फोर्थ पे आ जाएंगे आओ जरा ठीक है बेटा स्लोली स्लोली समझना है लेकिन एकदम डेप्थ में समझना कन्फ्यूजन कहीं पर भी रहना नहीं चाहिए ठीक है चलो तो ये इतना चीजें क्लियर है आपको

आपने सुना होगा नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है तो देखो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे निकाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन्स था इलेक्ट्रॉन से क्या निकला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है इलेक्ट्रॉन से क्या निकला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकला है उसको मैं थोड़ा सा उसी पर हम बात करेंगे क्या निकला देखो यहाँ पे निकला टू एट वन सोडियम का और क्लोरिन का टू एट सेवन ठीक है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन क्या हुआ एटॉमिक नंबर ग्यारह था तो ये हुआ टू एट वन इसी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ठीक है क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर था सेवनटीन सत्रह तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन क्या हुआ टू एट सेवन ठीक है ये तो था क्लियर है अभी तो अब इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या मनता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन जर क्यर समझो नेक्स्ट स्टेप अपना पुरा का का है पूछा स्टेप है बेटा वैलेन्शियल इलेक्ट्रॉन आता वैलेनशियल इलेक्ट्रॉन जर तुम्हारा थोड़ा सा एकदम सौपे भाषा मतलब तुम्हारा संगा वाले वॉट इज द मीनिंग ऑफ बैलेनेशियल इलेक्ट्रॉन इलेक् वैलेन्शियल इलेक्ट्रॉन नथिंग बट इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल क्या बोला मैंने वैलेन्स शेल इलेक्ट्रॉन्स है ना वैलेन्शियल इलेक्ट्रॉन क्या बैलेन्शियल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल ठीक है इलेक्ट्रॉन्स इन द तो अभी आपको ऑलरेडी तो पता है ऑलरेडी पता चल गया क्या पता चल गया आपको यह पता चल गया कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है तो ये शेल नंबर हो गया वन टू थ्री है ना ऐसी तो है ये फर्स्ट शेल था ये सेकंड शेल था ये थर्ड शेल ना मतलब ये फर्स्ट ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल तो लास्ट शेल कौन सा हुआ? लास्ट हमारा थर्ड शेल होता है तो ये जो हमारा ये लास्ट शेल होता है ये क्या हमारा लास्ट शेल तो अब आपको ये पता चल गया है कि यहां पर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितना है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इसके लिए कितना हो जाएगा वन हो जाएगा ठीक है इसके लिए कितना हो जाएगा सेवन हो जाएगा ठीक है ये सेवन हो जाएगा ठीक है तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स किसके इनके लिए वन इसके लिए सेवन ठीक है समझ में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स मतलब लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन ठीक है इतना क्लियर है चलो अगर आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पता है है ना अगर आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पता है तो क्या कर सकते हो बड़े आराम से चीजें क्लियर हो जाएंगी अब देखो जरा एक बार लास्ट स्टेप है दिस इज़ द लास्ट स्टेप है ना तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स से आपको पता चल जाएगी वैलेंसी तो इफ यू नो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अब आपको पता चलेगी इससे वैलेंसी okay? तो आपको पता चल जाएगी ओके ठीक okay, है तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको पता है तो यू कैन कैलकुलेट वैलेंसी वेरी इजीली हाउ तो देखो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन या लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन है ना दोनों में भी लिख देता हूं मैं बाद में आप कंफ्यूज भी मत होना और भूलना भी मत है ना लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन लास्ट हाँ, शेल वाला इलेक्ट्रॉन या लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो भी आपको इस समझ में आने की आ जाए लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन ठीक है ई के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखाया तो ऐसे इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं इसलिए मैं पे ई e के ऊपर ऐसे डैश कर देता हूँ मैं तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है या तो वन होगा टू होगा थ्री हो सकता है फोर हो सकता है फाइव हो सकता है सिक्स हो सकता है सेवन हो सकता है या फिर एट हो सकता है करेक्ट तो वैलेंसी कैसे पता चलेगी देखो अगर वन है तो है ना अगर क्या बोला मैंने अगर वन है तो वैलेंसी कितनी हो जाती है वैलेंसी हो जाती है वन अगर टू है तो वैलेंसी कितनी हो जाती है टू हो जाती है अगर थ्री है तो वैलेंसी कितनी हो जाती है थ्री हो जाती है अगर फोर है तो वैलेंसी कितनी हो जाती है फोर हो जाती है अगर फाइव है तो क्या होगा यहाँ से चीज़ें चेंज होगी यहाँ से क्या बोला मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें चेंज होगी तो कलर भी हम चेंज कर देते हैं तो फिफ्थ अगर होगा बेटा फिफ्थ के लिए क्या हो जाएगी वैलेंसी हो जाएगी थ्री सिक्स के लिए क्या हो जाएगी वैलेंसी हो जाएगी टू सेवन के लिए क्या होगा वैलेंसी हो जाएगी वन और एट के लिए क्या होगा वैलेंसी हो जाएगी जीरो ठीक है एट के लिए क्या हो जाएगा एट के लिए वैलेंसी जीरो सेवन के लिए वन और इसके लिए टू ठीक है ठीक है अब ये कैसे आया ये आया कैसे इसको समझना अगर है तो समझा देता हूं मैं ये आया कैसे वैसे इसको आप समझने के लिए आप देखो तो वन टू फोर अगर आप देखो लास्ट शेल में लास्ट शेल के अंदर लास्ट शेल के अंदर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वन टू थ्री फोर है तो सिंपल सी बात है अगर वन टू थ्री फोर है तो वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी वन टू थ्री फोर उसके बाद वाला फाइव सिक्स सेवन एट अगर आता है तो ये उल्टा हो जाता है थ्री टू वन जीरो लेकिन ये आया कैसे इसको भी समझ लेते हैं ठीक है जनरली इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कोई चीज नहीं है होता क्या है यहां पर आप देखो यहां पर देखो तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं देखो एक ऑक्टेट रूल होता है आपने अगर सुना होगा ऑक्टेट रूल है ना अगर नहीं सुना तो हम तो है बता दें तो टेंशन लेने की बात नहीं है है ना तो ऑक्टेट रूल में क्या होता है बेटा ऑक्टेट रूल में ऐसा होता है कि जो एटम होता है ना एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या चाहते हैं ना कि उनके लास्ट चल में आठ इलेक्ट्रॉन हो उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल ऑक्टेट रूल का मतलब लास्ट शेल के अंदर अभी यहाँ पे लास्ट में कितना वन है ना इधर वन है तो वो क्या चाहते हैं वो चाहते हैं उसके अंदर आठ इलेक्ट्रॉन हो लास्ट शेल में अगर लास्ट में आठ हो गया तो क्या होगा वो एटम ना स्टेबल हो जाता है स्टेबल स्टेबल का मतलब शांत लोवेस्ट एनर्जी में ठीक है आता हर जर लोएस्ट एनर्जी मध्य गेला तो अगर मानो स्टेबल एटम है ना अगर अपन क्या मानू सकता इलेक्ट्रॉन मतलब कैसे चला एकदम स्टेबल अब स्टेबिलिटी के लिए अपने को क्या करना पड़ता है या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है डोनेट कर सकता है या सेवन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है क्या किया मैंने या तो ये जो है सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा या तो सेवन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो अब देखो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है या सेवन को एक्सेप्ट कर सकता है तो दोनों ही कंडीशन में इसके पास क्या हो जाएगा लास्ट शेल के अंदर एट कैसे होगा अगर ये एक डोनेट कर देगा तो लास्ट शेल कौन सा बन जाएगा ये वाला तो इसमें तो ऑलरेडी आठ हो गया और अगर सेवन एक्सेप्ट कर लेगा तो इधर आठ हो जाएगा मतलब फिर भी दोनों ही दोनों ही कंडीशन में आठ हो सकता है यहां पर देखो यहां पर ये क्या करेगा अगर ये ये किसी को सेवन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो भी लास्ट शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा क्योंकि ये चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स तो बचेगा क्या लास्ट शेल ये वाला हो जाएगा तो इसमें आठ हो जाएगा या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले तो भी ये आठ हो जाएगा दो कंडीशन से इनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो सकता है बराबर है ना अब अगर आप देखो तो अब आप सोचोगे कि करना कौन सा है सब इसको एक्सेप्ट करवाना है इसका या डोनेट करवाना है ये कैसे समझ में आएगा तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम डोनेट कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं वो जनरली होते हैं चार मोस्टली केसेस में वो तीन ही दिखेंगे किसी किसी केस में आपको चार दिख सकते हैं वो ठीक है तो चलो मैक्सिमम हम चार कंसिडर कर भी लेते हैं इलेक्ट्रॉन जो हम डोनेट कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं वो हम चार कंसिडर कर लिया किसी केस में तो अगर हमने चार भी कंसिडर कर लिया तो सात तो बेटा किसी भी केस में पॉसिबल नहीं है सात तो कभी हो ही नहीं सकता तो सात कभी भी नहीं हो सकता मैक्सिमम कितना बोला मैंने तीन या चार तो अगर तीन जनरली हम करते हैं और मैक्सिमम केस में गया चार भी तो सात तो कभी भी नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा तो दो कंडीशन है ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पा रहे थे लेकिन उसमें से एक ही कंडीशन ऐसी चीज हो ही नहीं सकती तो हो ही नहीं सकती तो फिर बची एक एक ही कंडीशन कंडीशन तो तो जो ये करेंगे तो क्या करेंगे सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एक अब कैसे करेगा जरा देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इनके पास लास्ट शेल में है इनके पास सात है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इनको दे देंगे भाई साहब को तो इसके पास क्या हो जाएगा इनके पास हो जाएंगे आठ इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर एक गया एक और आएगा तो क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा और इसका एक चला गया तो क्या होगा इसका चला गया ये ये इलेक्ट्रॉन ही अपना उड़ जाएगा तो लास्ट शेल भी फिर किसी काम की नहीं तो शेल भी कंसिडर की नहीं जाएगी फिर तो अब स्टेबल कॉन्फिगरेशन जो बनेगा वो कैसा बनेगा स्टेबल कॉन्फिगरेशन में नीचे लिख देता हूँ कैसे बनेगा तो अब इसके पास क्या हुआ टू कॉमा एट यह इसका स्टेबल कॉन्फिगरेशन हो गया और इसका क्या हो जाएगा टू कॉमा एट कॉमा एट ये इसका स्टेबल कॉन्फिगरेशन हो गया क्योंकि दोनों के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा आट आट आ गए सो दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल तो जब वो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं तो दोनों स्टेबल हो जाते हैं ठीक है अब ये स्टेबल हो चुके हैं ठीक है तो स्टेबल हो गए तो इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया कितने एक्सेप्ट किया देखो तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आप डोनेट करते हो या एक्सेप्ट करते हो वही वैलेंसी होती है क्या बोला फिर से सुनो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट किए जाते हैं या तो एक्सेप्ट किए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे उसी को तो वैलेंसी कहेंगे उसके वैलेंसी कहेंगे तो यहां पर सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी वन क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी वन ठीक है अब इतना तामझाम करने के बाद समझ में आएगी कि चीजें ऐसा जरूरी नहीं है बहुत अभी शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा ना ये तो लंबा प्रोसेस है शॉर्ट ऑटोमेटिकली शॉर्ट ट्रिक आपको पता चलने ही वाली है क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है है ना बैकग्राउंड तो समझ में आना चाहिए अब आपको बेसिक स्ट्रॉग करके जाना है तो ये ऊपर ऊपर से पढ़ के फायदा नहीं है है ना एकदम इन डेप्थ समझना है बेटा कोई भी चीज छोड़ना नहीं है कंफ्यूजन कहीं भी रहना चाहिए नहीं ठीक है तो आप देखो जरा क्या बोल रहा था मैं वैलेंस शैल इलेक्ट्रॉन है मतलब लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे है ना बच्चा तो ये लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स आपको समझ में आ गए तो उससे आपने निकाली वैलेंसी अभी कैसे निकली अभी आपको समझ में आ गया रहेगा है ना जैसे कि मैंने क्या कहा था एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं या तो सेवन को एक्सेप्ट कर सकते हैं ये ऐसा हो सकता है ना एक को डोनेट करेगा ये सेवन को एक्सेप्ट करेगा तभी क्या होगा इसका ऑपरेट कंप्लीट होगा तो ऑब्वियसली क्या करते हैं सेवन तो हो नहीं सकता बचा क्या वन तो ये वन को अपना क्या कर सकते हैं डोनेट कर देते हैं तो जब वन को डोनेट करेगा ये वन को डोनेट करने के बाद होगा क्या वन को डोनेट किया तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं या एक्सेप्ट होते हैं डोनेट इलेक्ट्रॉन दे देना या इलेक्ट्रॉन ले लेना तो कोई इलेक्ट्रॉन देगा या तो कोई आप दोनों साथ में नहीं कर सकते या तो आप दोगे या तो आप लोगे ऐसे होगा ना कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा

एट इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हो तो ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया तो वो अब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा उसकी वैलेंसी जीरो जिसकी वैलेंसी जीरो मतलब वो किसी के साथ कंबाइन नहीं कर सकता कंबाइनिंग कैपेसिटी तो होती है ना वैलेंसी अब वही ज़ीरो गई तो किसी के साथ कंबाइन नहीं करेगा ठीक है बच्चा ओके तो अब सर यही एक टेक्निक है इसको याद मतलब समझने की है और भी दुनिया में कुछ है है ना गम तो बहुत है हमारे पास तो, <laughs> तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा हम पहले होमवर्क थोड़ा सा होमवर्क क्या है थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी इतना पढ़ा है ना थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं देखो हाइड्रोजन ये वन टू ट्वेंटी आई थिंक ट्वेंटी कितने वन टू फोर्टीन तक दिए ना फोर्टीन तक दिए ठीक है आगे आप लर्न कर लेना आपके लिए एटलीस्ट वन टू थर्टी तक आपको आना चाहिए वन टू थर्टी भी नहीं तो एटलीस्ट ट्वेंटी तो हंड्रेड परसेंट आना ही चाहिए एक्चुअली ट्वेंटी नहीं मैं बोलूँगा थर्टी करो कितना वन टू थर्टी तो यहाँ पर फोर्टीन तक आपको दे दिया बाकी आप में करो। देखो, हाइड्रोजन का एटोमिक नंबर इलेक्ट्रॉन है तो डिस्ट्रीब्यूट का होगा भाई साहब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा एक ही होगा उसके लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन कितना एक ही होगा तो वैलेंसी भी वन ही हो जाएगी ठीक है लिथियम की बात करते लिथियम एटॉमिक नंबर थ्री ओके

अभी देखो बोरॉन है बोरॉन का एटॉमिक नंबर पाँच तो टू कॉमा थ्री दो और तीन ठीक है क्योंकि पहले शेल में मैक्सिमम कितना आ सकता है दो ही आ सकता है तो आप देखो पहले शेल में हर जगह दो ही लिखा हुआ है उसके बाद बचा कितना दो यूज़ किया तो कितना बचा तीन तो तीन लिख दिया और लास्ट शेल में कितना हुआ तीन इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर तीन लिख दिया और वैलेंसी कितनी होगी अगर लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन तीन है तो वैलेंसी कितनी नहीं याद है तो एक बार रेफर कर लो टेंशन की बात नहीं है लास्ट शेल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना तीन है तो वैलेंसी कितनी होगी तीन हो जाएगी है ना तो क्या लिखेंगे यहाँ पर थ्री यहाँ पर क्या लिखेंगे टू यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑलरेडी दी है एटॉमिक नंबर नहीं पता तो टू प्लस फोर इसको हम लोग कंबाइन करेंगे तो निकल के आ जाएगा ये कितना है सिक्स है ना इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर दो या डिस्ट्रीब्यूशन को टोटल कर दो बात तो एक ही है तो चार है तो वैलेंसी हो जाएगी चार सात है तो क्या होगा पहले में दो आएगा मैक्सिमम उसके बाद बचे कितने पाँच तो हम लोग आठ दखिन शेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं आठ लेकिन मेरे पास कितने बचे पाँच तो पाँच लिख दिया मैंने लास्ट शेल में अगर पांच इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंस सॉरी लास्ट शेल है ना ये तो यहाँ पे पूछा है इस फाइव, फाइव है इलेक्ट्रॉन दैट इज तो वैलेंसी हो जाएगी थ्री ठीके? अब यहाँ पे देखो टू प्लस तो ये क्या हो जाएगा ठीक है आठ का डिस्ट्रीब्यूशन करो या डिस्ट्रीब्यूशन का कर? एडिशन करो बात तो एक ही है लास्ट शेल में छ इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी टू नाइन है तो टू कॉमा सेवन लास्ट शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन्स देखो लास्ट शेल में सेवन सेवन लिख दिया इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट शेल में है तो वैलेंसी हो जाएगी वन फिर दस है तो टू कॉमा एट लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन कितना एट तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी जीरो सोडियम टू एट वन टू प्लस एट कितना हो गया टेन टेन प्लस वन कितना हुआ इलेवन तो इलेवन हो गया लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन कितना लास्ट शेल में वन तो वैलेंसी वन फिर ये मैग्नीशियम टू ट्वेल्व है तो इसको कैसे करेंगे टू कॉमा एट कितना हो गया टेन हो गया लास्ट में कितना बचा दो तो दो यहाँ लिख देंगे लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन दो है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन तीन है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पर देखो टू कॉमा एट कॉमा फोर वैलेंसी कितनी हो जाएगी फोर क्लियर है आ रहा मुश्किल लग रहा है क्या नहीं ना ईजी है ना बहुत ईजी है प्रैक्टिस करते रहोगे तो आ जाएगा अपने को कब तक कहाँ तक लर्न करना वन टू थर्टी की वैलेंसी लर्न होनी चाहिए बाई हार्ट बाई हार्ट टेंशन नहीं लेने का ठीक है ओके okay, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर है वेरिएबल वैलेंसी के इसको हम बाद में बात करते हैं उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ ये आपको दिख रहा है पीडोडिक टेबल तो ये पीयोडिक टेबल है आप लोग देख पा रहे हो तो ठीक है इस पीओडिक टेबल को देख के भी आप वैलेंसी बता सकते हो पता है कैसे इसको देख के भी बता सकते हो देखो कैसे यहाँ पर देखो अगर आपके पास ये जो ग्रुप नंबर वन दिख रहा है ग्रुप नंबर वन ग्रुप नंबर टू ग्रुप नंबर थ्री है ना तो ग्रुप नंबर वन की सबकी वैलेंसी ही हुई होती है आप ऊपर से नीचे तक देखोगे तो इनकी वैलेंसी कितनी है इनकी एक्चुअली ये जो वन है ना इसको बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मतलब जिसका ग्रुप नंबर वन उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने समझ में था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन ना तो जिसके ग्रुप नंबर वन उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वन और जिसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वन उसकी वैलेंसी भी वन यहां पर देखो ग्रुप नंबर टू मतलब इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने दो तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी दो यहां पे आ जाओ इसको दो मिनट के लिए छोड़ दो यहां पर मैं आपको बताता हूं इसका क्या करना है इसको वैसे भी आपका काम यहाँ पे ज्यादा होता नहीं है बट आप यहाँ पे आ जाओ यहाँ पे थर्टीन है ना ये थर्टीन को देखो तो थर्टीन में क्या होता है इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अगर ध्यान में रखना है तो आपको क्या करना है ये लास्ट का डिजिट देखो ये थ्री दिख रहा है लास्ट में थ्री दिख रहा है थर्टीन को मत देखो लास्ट शेल में थर्टीन कैसे होंगे <laughs> तो लास्ट शेल में कितने हुँगे? यहाँ पे थ्री होते हैं यहाँ पे होंगे फोर यहाँ पे होंगे क्या है इसका शेल इलेक्ट्रॉन्स है थर्टीन का थ्री हो जाएगा फोर्टीन का फोर फिफ्टीन का फाइव सिक्सटीन का सिक्स सेवनटीन का सेवन और एटीन का एट तो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है अब तुमको तो पता है अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पता है तो वैलेंसी कितनी होगी थ्री इसका फोर है तो वैलेंसी कितनी होगी फोर इसका फाइव है तो वैलेंसी बोलो थ्री इसकी वैलेंस वैलेंसियल में छ है तो वैलेंसी टू वैलेंसियल सेवन तो वेलेंसी वन वैलेंट तो वैलेंसी जीरो ना इजी है तो ऐसे भी आप देख के निकाल सकते हो ठीक है अब रही बात सर इसका क्या करना है इसका थोड़ा सा अलग है टेक्निक है ना इसके टेक्निक अलग है आपको वैसे भी शुरुआत में आपको मैं बता दूं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन से हैं ये मैं आपको जो मार्क करके दे रहा हूँ यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ठीक है और यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है ठीक है ये इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है मैं जो जो बॉक्स बना के देना देना दे रहा हूँ ना यहाँ पर ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है बाकी को इग्नोर कर सकते हो वैसे चाहो तो लेकिन इम्पॉर्टेंट जो मैंने बता दिया अगर आपको ध्यान से समझ में आई होगी बात है ना तो बेसिकली आप ये पूरा लर्न भी नहीं करोगे ना ये वाला मैं आपको ये भी और थोड़ा कम कर देता हूँ आपके मेहनत <laughs> मेहनत कम कर देता हूं आपके लिए तो यहां तक ये वाला बस इतना भी लर्न करोगे तो अब ध्यान से देखो क्या ये ये वन टू थर्टी तो है क्या <measures> ये वन टू थर्टी है तो वन टू थर्टी तक की एलिमेंट तो है ना तो देखो वन देखो टू उसके बाद थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन तो वन टू ट्वेंटी ये वन टू थर्टी तक गया देखो ये बीच के बेसिकली कई बार आपको जरूरत नहीं पड़ती बट इसको लर्न कर लोगे तो साथ में हो जाएगा काम तो वन टू थर्टी एकदम घोट के पी जाओ पी जाओ भूलना ही नहीं चाहिए ठीक है अब एक चीज़ और है ये लास्ट टॉपिक है है ना तो अगर आप लोग थक गए होंगे तो मैं आपको थोड़ा रिलैक्स कर देता हूँ ठीक है चिल कर लेते हैं तो ये लास्ट टॉपिक है ठीक है लास्ट टॉपिक है इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं है और ये इसमें बहुत डिटेलिंग भी नहीं है बुक में भी नहीं है हमें पढ़ना भी नहीं है तो क्या है ये इसको बोलते हैं वैलेंसी एग्जीबिशन या इसको एग्जीबिटेड वेरिएबल वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वेरिएबल वैलेंसी का मतलब ये होता है क्या क्या बोलते हैं इसको वेरिएबल वैलेंसी वेरिएबल वेलेंसी बड़ा वेरिएबल वैलेंसी का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर मेरे पास जो एलिमेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इनके पास एक से ज्यादा वैलेंसी होती है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हर जगह नहीं होगी हर जगह पे दो ही करेंगे ऐसा नहीं है कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ ऐसा जैसे अगर आप कॉपर की बात करो तो कॉपर की सिंबल क्या है सी यू है इसमें वन भी है टू भी है तो कई कई बार आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा कभी कभी आपको ऐसा देखने के लिए मिल सकता है तो जहां पे आपको प्लस नजर आ रहा है इसका मतलब उसकी वैलेंसी कितनी वन जहां पे टू प्लस ऐसा नजर आ रहा है उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी टू सिमिलरली जैसे एच जी है ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एच जी तो अगर आपको एच जी प्लस नजर आए मतलब वन एच जी टू प्लस है तो ऐसे आ गया तो एच जी टू प्लस इसका मतलब वैलेंसी कितना हुआ टू सिल्वर में भी सेम वन टू फिर ए यू में वन थ्री ऐसे करते 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 जाएंगे तो कहीं कहीं पर आपको देखो यहाँ पर तीन भी मिल रहा है तो बेसिकली क्या करना है यहाँ पे जनरली ये एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं डिफरेंट कंडीशंस में हर जगह सेम नहीं करते डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट बैलेंसी होती तो आपको ये लर्न करके रख लेना है बस इस पर कैसे आई क्यों आई ये आपको इलेवेंथ में समझाया क्योंकि ये लंबा टॉपिक है ऐसा क्यों हुआ एनर्जी कहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कौन सा शेल में से कौन सा है ना सब शेल में से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकल के गया ये लंबी डिटेलिंग है ना तो इसपे हम बाद में बात करेंगे फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना याद करके रखो कि वेरिएबल बैलेंसी होती है कुछ एलिमेंट्स की और वो कैसी होती है यहाँ पे आपको मैंने बता दिया तो जैसे कॉपर होगा तो अगर वन और टू की बात करें तो अगर सी यू प्लस आपको दिखा इसका मतलब ये प्लस साइन दिखा मतलब ये सिंगल है कई बार आपको ऐसे माइनस भी दिखेगा है ना जैसे ये सी एल माइनस ठीक है ऐसे सी एल माइनस आपको दिखा तो ये सिंगल बैलेंसी होती है टू माइनस हो गया तो ये दो होगी बैलेंसी ठीक है इस तरह से आप इसको पढ़ते हो ठीक है बैलेंसी को ऐसे पढ़ते हैं ठीक है तो लास्ट में आपको होमवर्क के लिए आप क्या करो होमवर्क में क्या करो मतलब होमवर्क यार होमवर्क अभी आप बच्चे तो हो नहीं होमवर्क के लिए लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या तो यहाँ पे वन टू थर्टी का ना अब क्या करना है मैं आपको आपसे पूछूंगा थोड़ी देर में रुको मैंने स्टार्टिंग बोला था एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट है अगर आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो भूल जाओ वैलेंसी एटॉमिक नंबर याद नहीं है ना फॉरगेट अबाउट वैलेंसी जर तुम्हारा एटॉमिक नंबर्स पार्ट नसेल तो बेटा देखो यहां पर देखो स्टार्टिंग मैं तुम्हारा एटॉमिक नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज एटॉमिक नंबर विल गिव यू इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से क्या मिलेगा इलेक्ट्रॉन और वैलेशियल इलेक्ट्रॉन से मिलेगी वैलेंसी तो अगर एटॉमिक नंबर याद नहीं तो खरलास संपला विशेष संपला तो फिर हमको कुछ मतलब नहीं है तो पहला काम क्या करना है पहला काम आपको करना है कि आपको वेल नंबर सबके लर्न होने चाहिए क्योंकि नंबर लर्न होगा तो इससे क्या मिल जाएगी इससे पता चल जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या जिसको अपन बोलते हैं कॉन्फिग्रेशन है ना तो उसके बाद आप कॉन्फिग्रेशन निकालोगे कॉन्फिग्रेशन पता चल जाएगा तो उससे आपको क्या मिलेगा वैलेंस वैलेंसल इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन्स तो ये मिलेगा आपको और इससे आपको क्या मिलेगी फाइनली वैलेंसी ठीक है तो देख रहे हो रास्ता कैसे जा रहा है अपना कहाँ से शुरुआत हुई एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो कुछ याद नहीं होगा सिंपल नहीं ना कुछ बस इतना तो था इतना सही था हमारा टॉपिक है ना तो कैसे बांटला मजा आली आली मजा ठीक है तो मजा आ गया तो बताओ फिर कमेंट बॉक्स में ठीक है मग भेटू पुछल लेक्चर में ठीक है अच्छा डाउट वगैरह असल तो कॉमेंट बॉक्स है तुम्हें टाइप करा है ना कुछ भी और सजेशन्स भी रहेगा तो करो यार ऐसा जरूरी नहीं है कि ओ, मतलब आई ऑलवेज से कि यू आर ए फैमिली थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं ऑन ए पॉजिटिव नोट है ना ऐसे रूड मत हो जाओ पॉजिटिवली सब चीज़ें डिस्कस करेंगे हो जाएगा धीरे धीरे ठीक है तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक बाय बाय